सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। नोएडा के फार्म हाउसों पर गर्जेगा बुलडोजर, प्राधिकरण ने लगाया नोटिस, 2 दिन में होगी कार्यवाही। 1000 फार्म हाउस है अवैध। थूककर रोटी बनाने वाला निकला शोएब, केस दर्ज। मेरठ में हिंदू संगठनों की गिरफ्तारी की मांग, रोटी सेकने का वायरल हुआ था वीडियो। मुस्लिम से हिंदू बनी लड़की को टुकड़े टुकड़े की धमकी, बरेली में शहनाज से सुमन बनने वाली लड़की ने मंदिर में अजय से की थी शादी। पठान फिल्म का होगा मथुरा में विरोध, अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया विरोध का ऐलान। एलडीए के 2 लिपिक समेत 22 पर मुकदमा, प्लॉट फर्जीवाड़ा में 5 दर्ज हुई एफआईआर, जांच शुरू। सहारनपुर में हत्या के 3 दोषियों को उम्र कैद, 9 साल के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। साल 2013 में घर में बुलाकर की थी युवक की हत्या। गाजियाबाद में कुत्ते को कार से कुचलकर मार डाला, सोसाइटी में रोड पर खेल रहे थे 2 पालतू कुत्ते, 1 की हुई मौत। बस्ती सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। नीलगाय को टक्कर मारते हुए ढाबे की दीवार से टकराकर पलटी कार। प्रयागराज में वकील ने खुद कराई थी अपनी हत्या, सहयोगी से कहा था मुझे मार दो मैं जिंदा हो जाऊंगा, तुमसे हरिद्वार में मिलूंगा। चौकी में घुसकर पुलिस वालों पर फायरिंग, 10 घंटे में दोनों बदमाशों की बरेली पुलिस से मुठभेड़, फायरिंग में दोनों को लगी गोली। औरैया के खानपुर पीएससी में नहीं मिलती इमरजेंसी सुविधा, आवास न मिलने से बाहर से आते हैं चिकित्सक, स्वास्थ्य सेवाएं हो रही हैं प्रभावित। रिटायर्ड फौजी व का बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पर आरोप, बोले नौकरी दिलवाने के नाम पर लिए लाखों रुपए, अब धमकी दे रहे हैं। अलीगढ़ में आरएसएस के नगर कार्यवाहक को मारी गोली, दुकान बंद करके घर जा रहे थे, ओवरटेक करके बोलेरो सवार बदमाशों ने रोका। भदोही में ट्रेन से कटकर हुई युवक की मौत, मजदूरी का काम करता था मृतक, जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में नवीन सब्जी मंडी में लगा गंदगी का अंबार, आवारा जानवरों से लोग परेशान है, आवारा पशुओं का आतंक। मेरठ में बड़े भाई से विवाद हुआ तो युवक ने मारी गोली, कनपट्टी से सटाकर मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। भदोही में बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी पर कार्रवाई, हनुमान सेवक पांडे का 3,75,000 ट्रैक्टर हुआ जब्त, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। कानपुर देहात में सीडीओ ने सरकारी स्कूलों का किया निरीक्षण, रंगाई पुताई पेंटिंग का लिया जायजा। प्रयागराज में मिला लापता युवक का शव, जंक्शन पर हाई टेंशन तार से झुलसा, पुलिस बोली अस्पताल से भाग गया था मरीज। बागपत में लापता बच्चे का नहीं लगा कोई सुराग, 40 घंटे बाद भी पुलिस नहीं लगा पाई पता, कई थानों के फोर्स कर रही बच्चे की तलाश।
मथुरा में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला, बचाने आए 10 साल के बेटे पर भी किया हमला, पति पत्नी में रहती थी अनबन। हापुड़ में दो अंतर्राज्यीय शस्त्र तस्कर गिरफ्तार, 3 पिस्टल बरामद, उत्तराखंड से खरीद कर अन्य राज्यों में करते थे सप्लाई। रायबरेली में मजदूरी मांगने पर सेक्शन में मजदूर को पीटा, पीड़ित मजदूर ने की कार्रवाई की मांग, भीम आर्मी के लोग हुए सक्रिय। मैनपुरी एसपी ने 14 थानों के 200 सिपाहियों को बदला, बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर कार्यक्षेत्रों में किया बदलाव, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। अम्बेडकर नगर में आधी रात सड़क पर उतरे डीएम, जरूरतमंदों को बांटे कंबल, जगह जगह अलाव और रैन बसेरा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अलीगढ़ में अनियंत्रित कार ने महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत, पुलिस ने कार चालक और कार हिरासत में ले लिया। औरैया में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते धर दबोचा, रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी बीएस पहुंचे सलाखों के पीछे। हमीरपुर में शादी में दिया गया अनोखा दहेज, शादी में दूल्हे को दहेज में मिला बुलडोजर, शादी में दिया गया बुलडोजर बना चर्चा का विषय। अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानपुर आगमन से पहले सियासत गरम, इरफान सोलंकी के समर्थन में अमिताभ वाजपेयी ने जारी किया पोस्टर। आयकर के डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन का कारावास, अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने सुनाई सजा। अलीगढ़ में 100 रुपए के लेन देन को लेकर पीपली गांव बना जंग का मैदान, दो पक्ष आपस में भिड़े। फिरोजाबाद में 17 साल बाद कोर्ट के आदेश अनुसार पुलिस की मौजूदगी में हवेली को कराया गया खाली, हवेली खाली कराने से पहले नहीं दिया गया नोटिस। अलीगढ़ में भाजयुमो का पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटर, 48 घंटे के जयचंद्रों के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई तो होगा बड़ा प्रदर्शन। गोंडा में एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसा चुराने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने वांछित अपराधियों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में भू माफियाओं को सुरक्षा देने के पुलिस पर लगे आरोप, किसान नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का किया घेराव। गोरखपुर में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी, प्रभारी एवं संयोजकों की बैठक, बैठक में चुनाव प्रभारी व वार्ड के संयोजक रहे मौजूद। अलीगढ़ में देह व्यापार का धंधा करने वालों से पुलिस मांगती है महीनादारी, में परेशान महिलाओं ने पुलिस पर लगाया आरोप। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का हमीरपुर में भाजपाइयों ने फूका पुतला, विदेश मंत्री के गलत बयान को लेकर सैकड़ों भाजपाइयों ने किया विरोध। अलीगढ़ में ई रिक्शा की बैटरी टावर की केबल काटकर चोर हुए फरार, मौके पर पहुंचे पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। हरदोई में कार सवार दबंगों की गुंडई, सीसीटीवी में कैद बाइक सवार युवक को 23 सेकंड में 48 डंडे, 13 थप्पड़ और 8 लाते मारी गई। अलीगढ़ में लेखपाल ने दिया आदेश, बुलडोजर से कब्रों को प्लाट में किया तब्दील, ग्रामीणों में दिखा आक्रोश।
लखनऊ में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने निकायों में बनाए गए रैन बसेरों की व्यवस्था की वर्चुअल समीक्षा की। मंत्री एके शर्मा ने दिया खास निर्देश। अलीगढ़ में पठान मूवी को लेकर हिंदूवादी छात्र नेताओं ने फिल्म सितारों का फूका पुतला, सिनेमाघर संचालकों को दिया अल्टीमेटम। रायबरेली में जगतपुर सीएससी में तैनात डॉक्टरों ने बार बालाओं के साथ डांस किया, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। अलीगढ़ में शराब ठेका संचालकों को उपजिलाधिकारी ने दिया अल्टीमेटम, ठेकों के बाहर पिलाई शराब तो शराब ठेकों का होगा निस्तरीकरण। रायबरेली में कानून व्यवस्था सवालिया निशान पर, पीड़ित को मुकदमा वापस लेने की मिल रही है धमकी। संभल में महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से परिजनों में मचा हड़कंप, मायके के पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का लगाया आरोप। औरैया में भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, पाकिस्तान सरकार से बिलावल भुट्टो को बर्खास्त करने की मांग की। अलीगढ़ के चौकी में 3 माह पर युवक की हुई थी हत्या, मृतक की मां ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। संभल में सीएससी से महिला की नसबंदी को लेकर अस्पताल स्टाफ पर लगा लापरवाही का आरोप, महिला ने गलत ऑपरेशन की शिकायत की। बिजनौर में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ भाजपाइयों का जोरदार प्रदर्शन, भुट्टो के विरोध में जमकर की गई नारेबाजी। संभल में इंडोर शूटिंग रेंज का शिक्षा राज्य मंत्री ने किया शिलान्यास, नगर पालिका बहजोई स्थित काली मंदिर मैदान में बनाया जा रहा है इंडोर शूटिंग रेंज। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का विरोध तेज, कानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान विदेश मंत्री का पुतला दहन किया। संभल में निकाली गई प्लास्टिक शवा यात्रा, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में 15 किलो पॉलिथीन एकत्रित कर निकाली जा रही यात्रा। बुलंदशहर में भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ भाजपाइयों का फूटा गुस्सा, कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के जरदारी के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। चंदौली में फिर दिखा चोरों का आतंक, बेखौफ चोरों ने मंदिर से मुकुट व दान पेटी के पैसों पर किया हादसा, जांच में जुटे पुलिस। गाजियाबाद में बिलावल भुट्टो के बयान पर हुआ हंगामा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। गोंडा में छात्र को अध्यापक द्वारा डंडे से मारते वीडियो वायरल, शिक्षक ने विद्यालय न आने पर रास्ते में कराई उठक बैठक। कन्नौज में कोटेदार व प्रधानपति के साथ चले लाठी डंडे घटना में 4 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोंडा के विद्यालय में अश्लील गानों पर स्टूडेंट का डांस वीडियो वायरल, विद्यालय प्रशासन की खोल लापरवाही सामने आई। कानपुर में मेट्रो कर्मचारियों की गुंडई आई सामने, चोर को पकड़ने के बाद बेरहमी से की पिटाई, सुपरवाइजर ने प्लास्टिक के डंडे से युवक को पीटा। राजधानी लखनऊ के अटल चौक पर हुआ प्रदर्शन, बीजेपी समर्थक कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का फूका पुतला।
जौनपुर से प्रयागराज आ रही बच्चों की टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलटी, डेढ़ दर्जन से अधिक छात्र हुए घायल, मौके पर मची अफरा तफरी। लखनऊ में अवध बस स्टेशन के सामने डग्गामार वाहनों का आवागमन जारी, गोरखपुर रूट पर डग्गामार गाड़ियां धड़ल्ले से बैठा रही सवारी। रायबरेली के खीरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत ई रिक्शा से एक बड़ा हादसा होने से बचा, अनियंत्रित ई रिक्शा पलटने से तीन लोगों को आई गंभीर चोट। ₹2022-23 माघ मेला को लेकर हुई समीक्षा, नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने की वर्चुअल समीक्षा, एके शर्मा ने प्रयागराज कमिश्नर को दिए सुझाव। लखनऊ में पीएससी स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी, जवानों की सराहना की। मुरादाबाद में मालगाड़ी डीरेल, प्लेटफॉर्म पर पटरी से उतरे दो डब्बे, ट्रैक पर पलटे, दो घंटे तक नहीं हो सका ट्रेनों का संचालन। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के 8 करोड़ के संपत्ति कुर्क, बहन मां के नाम पर थे प्लॉट, ईडी कर चुकी है छापेमारी। सीतापुर में पाकिस्तानी विदेश मंत्री का फूका पुतला, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर जताया विरोध, जमकर की नारेबाजी। अलीगढ़ में 3 महीने की गर्भवती महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। अयोध्या पुलिस ने अगवा करने वाले मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने युवती को भी किया बरामद, थाना हैदरगंज क्षेत्र का है पूरा मामला। शामली में गैराज में खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग, कड़ी मशक्कत से दमकल ने पाया काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। सुल्तानपुर में पीएम मोदी पर टिप्पणी पर भाजपाई बेफरे, पाकिस्तान के विदेशी मंत्री बिलावल का पुतला फूका, मुर्दाबाद के नारे लगाए। रामपुर में युवा क्रांति मोर्चा ने युवाओं को दिलाई शपथ, नशा मुक्ति के साथ देश की कसौटी पर मन वचन कर्म से खरा उतरने का आह्वान किया। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।